देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। भाजपा पर किसानों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाकर किया चक्का जाम। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में सीहोर बिलकिसनगंज पर स्थित हीरापुर जोड़ पर 15 मिनट के लिए चक्का जाम कर भाजपा पर किसानों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप। सड़क पर बैठकर कांग्रेस जनों और किसानों ने जोरदार नारेबाजी कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस दशरथ सिंह परमार के नेतृत्व में शेष किसानों की कर्ज माफी नहीं होने, बिजली के बिल ज्यादा भेजे जाने और सोयाबीन फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं देने को लेकर राज्य सरकार को कोसा गया और चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर वंचित किसानों की मुआवजा राशि नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम वर्मा की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष भूरा यादव, किसान कांग्रेस के बाबूलाल परमार, हरीश आर्य, कमलेश परमार, भोपाल सिंह, जगदीश नेता, अभिलाष परमार, राहुल परमार, देवेंद्र, दीपेंद्र, नरेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, भवानी दादा, रमेश दादा और कर्ण सिंह आदि शामिल थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के सभी ब्लॉकों में आंदोलन का क्रम जारी है। जिले के दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ से वंचित हो गए हैं। बीमा भुगतान की सूची से छूटे नाराज किसानों को एकजुट करने और शेष किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, शिवराज सिंह हाय हाय, शिवराज सिंह हाय हाय, शिवराज सिंह हाय हाय, शिवराज सिंह हाय हाय। किसानों की फसल का बीमा पूरा दे, पूरा दो। किसानों का बीमा पूरा दो, किसानों का बीमा पूरा दो, किसानों का बीमा पूरा दो, किसानों का बीमा पूरा दो। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।